होली को लेकर तोपचाची थाना परिसर में बुधवार को शांति समिति की बैठक सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान थाना प्रभारी संजय कुमार ने कहा कि आप सभी होली के इस पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं, आचार संहिता, रमजान के साथ साथ चुनाव को न भूलें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है, सोशल मीडिया पर भड़काव, संदेहास्पद तथा ऐसे पोस्ट या शेयर न करें जिससे क्षेत्र में शांति भंग हो। वहीं प्रखंड प्रमुख आनंद महतो ने कहा कि तोपचाची प्रखंड में कुछ ऐसे गांव हैं जो रेड लिस्ट में है, उस पर तोपचाची पुलिस का विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने सभी को भाईचारे के साथ होली मनाने की अपील की। बैठक में सभी लोगों ने अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। थाना में शांति समिति का जो बैठक किया गया होली के बारे में, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उनके बारे में तो ये है कि सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, शांति समिति के लोग काफ़ी बैठक भाग लिया, सब शांति समिति के सदस्य के रूप में, और सभी द्वारा निर्णय ले लिया कि इस वर्ष होली का त्यौहार शांतिपूर्ण सौहार्दमय वातावरण में मनाया जाएगा, और सभी ने खुशी जाहिर किया और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कुछ गाइडलाइन भी है क्या सर? और इसमें बताया गया कि यहाँ पर अभी तीन पर्व चल रहे हैं एक साथ, रमजान का भी चल रहा है, ईद के लिए रमजान का भी पर्व चल रहा है, होली भी इसमें आ गया है, और हम लोग का महान पर्व जो है चुनाव का, तो उसका भी इसमें आचार संहिता में सर विशेषकर कुछ गाइडलाइन दिया गया क्या? आचार संहिता में इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, इसमें पार्टी बेसिस पर कुछ नहीं करना है, इसमें कि राजनीति पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो, अपना होली सौहार्दमय वातावरण में मनाए। ठीक है, समिति की बैठक तो होली मिलन का समारोह आयोजन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? विशेष आज होली को लेकर शांति समिति की बैठक हुई, इसमें सभी शांति समिति के मेंबर्स और गणमान्य व्यक्ति पहुंचे, क्योंकि ये विशेष तौर पर आज जो होली होगा उसमें चुनाव भी है, इसको लेके हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के द्वारा विशेष दिशा निर्देश दिया गया, क्योंकि हम लोग तोपचाची में दो चार पंचायत गांव ऐसे हैं जो रेड लिस्ट में है, रेड लाइन में है, उन लोग पे विशेष निगरानी रखने की जरूरत है, सब लोगों के द्वारा बोला गया। और साथ में होली पर्व के नाते आज जो होली का आज शांति समिति का बैठक हुआ, उसको लेके सभी आपस में जितने शांति समिति के मेंबर हैं, प्रमुख और प्रखंड के जितने कर्मी थे, सीओ बीडीओ लोग, सबके साथ होली भी उसी उपलक्ष्य में मनाएंगे।